नमस्कार, जीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस कोड यानी अमित फॉर जीएसपी का इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा फिलहाल अमित सर अनअकैडमी पर CDSC APF FKT की क्लासेस ले रहे हैं, जिसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पर डिफेंस के सर्विसेज का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके बाद आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, और अगर आप सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस दिए जाते हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि मोस्टली शाम 7:30 बजे ली जाती है फिलहाल, या अल्टरनेट डे पे ली जा रही यानी MWF शाम 7:30 बजे आप सबकी जो फ्री क्लासेस है उन्हें देख सकते हैं। तो फिलहाल आप उनके कोर्सेज को एनरोल कर लें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और यह जो क्लासेस है वह सभी एग्जाम से रिलेट करेंगी। इन स्पेशल क्लासेस को देखने के बाद आपको यह भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से अनअकैडमी पर प्लस की जो क्लासेस होती हैं वह वर्क करती हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो उसे ज्वाइन कर ले, जहाँ पर डेली हम अपने करंट अफेयर्स की PDFs को डालते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन के समाचारों में से उन घटनाओं को डिस्कस करेंगे जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, अदर सिविल सर्विस एग्जाम्स, SSC, रेलवे, बैंक एंड DSC, APF आदि परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना उसे प्रेस करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली राष्ट्रीय खबर से। पहली राष्ट्रीय खबर में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यह जो साइबर सेल क्राइम बनाई गई है वह नई दिल्ली में से बनाया गया है। इसमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इंडियन साइबर क्राइम के ऑर्डिनेंस सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में किस राज्य ने दक्षता सूचकांक में अपना स्थान सबसे शीर्ष पर बनाया? यह हमारे ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक या केरल। इन तीनों में से किसने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर स्थान बनाया, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं? हमारा जो ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन, यानी यह सभी जितने भी तीनों राज्य हैं उन्होंने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहे 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें। जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान ने सबसे खराब प्रदर्शन किया इस इंडेक्स में। आइए इसमें से जुड़ी जो भी और भी चीजें हैं उन्हें हम देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी द्वारा आयोजित की गई है। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इस संयुक्त रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से चलाया गया है। SEE 2019 में 5 अलग अलग क्षेत्र परिवहन, उद्योग, कृषि, भवन, नगर पालिका और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ साथ अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी द्वारा तैयार की गई है। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया है इसे। यह संयुक्त रूप से ब्यूरो ऑफ एनर्जी और एफिशिएंसी के अलावा एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी द्वारा तैयार की गई जिसे 36 राज्यों में चलाया गया। इसमें साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। SEE 2019 में 5 अलग अलग क्षेत्र को आधारित करते हुए इसके इंडेक्स जो है उसको बनाया गया, जिसमें क्षेत्र परिवहन, उद्योग, कृषि, भवन, नगर पालिका शामिल है। ऊर्जा दक्षता पहल जो है कार्यक्रम
परिणामों की जांच के लिए इसने 97 इंडेक्स पर इसे आधारित किया गया है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म SEE है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में सभी क्षेत्रों में बिजली, कोयला, तेल, गैस आदि माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो वास्तविक ऊर्जा है उसकी मांग को पूरा करने के लिए कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति के आधार पर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को चार समूहों में बांटा गया। अर्थात ऊर्जा यानी जो फ्यूल होती जिस बोल सकते हैं उससे संबंधित जो भी कोयला, तेल और गैस से आधारित जो भी ऊर्जा बनाई जाती है उसकी जो पूर्ति की गई है उसके लिए चार समूह बनाए। पहला फ्रंट रनर अचीवर और तीसरा कंटेंडर और एस्पिरेंट, यह चार श्रेणी बनाई गई है। इन चारों श्रेणी में अलग अलग राज्यों को रखा गया है। इन चार श्रेणियों में अलग अलग राज्यों को रखा गया है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट में इतना ही। चलिए हम आगे देखते हैं। हाल ही में सुचिंद्रम थानुमल्लयन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह जो थानुमल्लयन मंदिर है इसकी शुरुआत तमिलनाडु में की गई है। यह वहां का एक लोकप्रिय रथ उत्सव है जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह इस प्रकार से है। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में प्रमुख स्टेशनों पर इंटर प्रोटोकॉल IP आधारित वीडियो सर्विलेंस प्रणाली स्थापित की गई है, यानी की गई है। यह रेलवे बोर्ड ने निर्भया फंड के तहत भारतीय रेलवे को 938 स्टेशनों पर वीडियो सर्विलेंस प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसके लिए भारतीय रेलवे को 250 करोड़ रुपए का बजट जो है यह पैसे आवंटित किए गए। या पहले जानी यानी जो फर्स्ट इसका स्टेप होगा, जो फर्स्ट समूह होगा उसमें देश भर में 200 स्टेशनों पर यह स्थापित किया जाएगा। यानी वीडियो सर्विलेंस जो प्रणाली यानी वीडियो के तहत जो देख रेख करना है, जांच रखना है, वह देश भर में 200 स्टेशनों पर अभी स्थापित किया जाएगा। और ऐसा जो है वह 81 स्टेशनों पर इसका काम पूरा हो भी चुका है। वर्तमान में रेल मंत्री जो है वह पीयूष गोयल जी हैं। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इस प्रकार से है कि भारत में अरब सागर में अपने विमान वाहक INS विक्रमादित्य को तैनात किया एयरक्राफ्ट करियर को उत्तरी अरब सरकार में चल रहे पाकिस्तान चीन नौसैनिक अभ्यास सी गाइडेंस के बीच इसे जो है तैनात किया गया। INS विक्रांत को अरब सागर में पाकिस्तान और चीन नौसैनिक का जो अभ्यास है उसमें सी गाइडेंस के तौर पर इसे तैनात किया गया है, हमारे INS विक्रांत को। यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर वाहक है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। हाल ही में पेपरलेस लाइसेंसी प्रोसेस की शुरुआत की गई है। बताइए कि यह किस परिवहन के लिए ऐसा शुरू किया गया। यह जो पेपरलेस लाइसेंसी प्रोसेस है वह पेट्रोलियम जो टैंकर्स होते हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि जो घपला होता है उससे बचा जा सके और जो भी डाटा होता है वह अप टू डेट रहे और इससे पेपर की जो खपत होती है वह भी बंद हो। ऐसा पहली बार पेपर लाइसेंसी प्रोसेस जो है वह पेट्रोलियम टैंकर्स के लिए की गई है। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह आर्थिक खबरों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों यानी औद्योगिक संस्था जहां पे उद्योग होता है और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली दो जो है उड़ीसा की PSU कंपनी है, यानी बोल सकते हैं उड़ीसा की जो दो सार्वजनिक उपक्रम अर्थात उद्योग संस्था है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, उसके हिस्से पूंजी बेचने के लिए
ऑफिशियल तरीके से मंजूरी दे दी गई है या एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि या जो आप देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उद्योग संस्था है या एक संयुक्त है जिसमें दो पीएसयू की बराबर की हिस्सेदारी है। इन चार सीपीएसई में जो है कंपनियां शाम चा इनमें चार जो उद्योग संस्था है वह कुछ इस प्रकार से है। पहला मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम MMTS के नाम से जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स रेल, फिर मैकॉन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। यह चार जो है वह सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों के तहत आती है और इसमें जो दो पीएसयू संस्था है वह कुछ इस प्रकार से है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और दूसरी उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन। इस विनिवेश से अर्थात जो या जो इसकी कुछ जो हिस्सा है पूंजी जो बेचने की बात की गई है भारत सरकार के द्वारा, ऐसा कहा गया है कि इसके बेचने से जो भी इसे प्रॉफिट होगा उस राशि का उपयोग सरकार जो है जनता के लाभ के लिए सामाजिक क्षेत्रों और विकास के स्तर पर खर्च करेगी। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह सुरक्षा से संबंधित है। विशाखापट्टनम में मार्च 2020 में आयोजित की जाएगी एक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम मिलन है। इस वर्ष जो मिलन अभ्यास है उसका विषय है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। आंध्र प्रदेश में इसे किया जा रहा है, विशाखापट्टनम तट जो पोर्ट है वहां पर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है। भारत के रक्षा सहयोग साझा करने के लिए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कुल 41 देशों को सैन्य अभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया है। और यह जो सैन्य अभ्यास यानी मार्च 2020 जिसका नाम मिलन है, इसका आयोजन जो है मार्च में किया जाएगा विशाखापट्टनम तट पर। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है कि भारत का पहला देश में तैयार होने वाला विमान वाहक पोत विक्रांत को भारतीय सेना में किस वर्ष तक शामिल कर दिया जाएगा? इसे 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसके जो बनने का कार्यक्रम तीसरे स्टेप तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द इसे 2021 में हमारी भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित। विश्व हिंदी दिवस हर साल हम जनवरी में किस तारीख को मनाते हैं? अभी हाल ही में हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया है। यह जो दिवस है वह हम हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी की जो मान्यता है जो दिन पर दिन लुप्त होते जा रही है उसे ही बरकरार रखने के लिए हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल जनवरी में। इसमें इतना ही, आइए हम आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं अब खेलकूद संबंधित खबरों से। हमारा प्रश्न है कि 7वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी महिला टीम ने जीत हासिल की? इसमें चार महिला टीमों ने भाग लिया था, लद्दाख, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। इन चारों में से जो यह राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई उसमें लद्दाख की महिला टीम ने जो है जीत हासिल की है। यह टूर्नामेंट का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब में के सहयोग से कराया गया है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में जो है वह KL कुमार है। इसमें इतना ही, चलिए हम आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें सरकुआन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ये रही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस जहाँ पर डेली हम अपने करंट अफेयर्स की PDFs को डालते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हम डेली अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस को पोस्ट करते हैं और अदर सोर्सेज जिसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन बना उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूलें, यानी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।